आज है हमारा सेकंड डे और हमने रात को स्टे किया था जिस्पा में। अभी निकल चुके हैं हम यहाँ जिस्पा से, अभी आएगा आगे 12 लाचा, ठीक है, आपकी पोस्ट। और यहाँ पे जो है वो आपको खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एंट्री कर तो फ्रेंड्स, ये जो आप यहाँ पे लोकेशन देख रहे हो ये है आपका दीपक ताल, यहाँ पे भी आप जो है हॉल्ट ले सकते हो और थोड़ा रिफ्रेश। तो बस थोड़े ऐसे जो फिसलने वाले पत्थर है भाई साहब, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज है हमारा सेकंड डे और हमने रात को स्टे किया था जिस्पा में, और अभी सुबह नहा नो के सब फ्रेश रेडी हैं। दीक्षित यहाँ पे है और आकाश वहाँ पे है, बाकी ये जो है ये यहाँ पे बाइक्स लगी हैं, यहाँ पे सारे सब ने अपना अपना सामान लेके यहाँ पे आ गए हैं और ब्रेकफास्ट के लिए बोल दिया हुआ है। और ये मेरा सामान पड़ा है, ये मिस्टर आकाश जी हैं जो अपना सामान पैक कर रहे हैं, राजा जी भी ऊपर से आ रहे हैं। और स्टेज हमने किया था वो जिस्पा में किया था पहला स्टे, और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है। अभी ऐसा है कि हमने पता किया जो उमलिंग लेवल रास्ता है, अगर यहाँ से जाएंगे थोड़ा ख़राब है रास्ते में, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो पहले हमें ले जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम वहाँ से ले एक्सप्लोर करके फिर उमलिंग लेवल निकलेंगे और वहाँ से वापस आएंगे। फिर तो स्लाइट चेंज है थोड़ा प्लान में। और ये अपने बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर ईशान गौतम और चीकू जी, सारा सामान लेके आ चुके हैं अपना और बस बाइक पे लगाने की देरी है बस अब। तो चलिए एक बार माउंट कर ले। बाइक रेडी यहाँ पे पूरी, दीक्षित की भी अप्रोक्सीमेट रेडी है, सबकी रेडी हो चुकी है। अभी निकल चुके हैं हम यहाँ जिस्पा से, अभी आएगा आगे 12 लाचा, ठीक है, 12 लाचा पास आएगा। अब नेक्स्ट हॉल्ट जो होगा वो 12 लाचा के पास ही मिलेगा। ये जो है स्पॉट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका दारचा। तो जैसे आप जिस्पा से थोड़ा आगे आओगे 3 या 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है कि आप कहाँ जा रहे हो, और वहाँ पे आपकी गाड़ी का जो है वो बाइक का नंबर और आपका फ़ोन नंबर और आपका नाम वहाँ पे नोटिस करते हैं वो, कि कितने बंदे जो है वो यहाँ से उस तरफ के लिए क्रॉस करें हैं। तो ये आ गई आपकी पोस्ट, और यहाँ पे जो है वो आपको खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इन्होंने एंट्री कर ली है, बस बाइक का नंबर नोट कर रहे हैं, बाकी और कुछ नोट करवाने की जरूरत नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पर करवा दिया है। तो अभी जो है वो मैं यहाँ से आगे के लिए निकल सकता हूँ। तो गाइस, ये जो आपका यहाँ पे रास्ता दिख रही है चौक, तो ये आगे वाला रास्ता ये चला जाता है आपका शिंकुला पास के लिए, ठीक है। और जो ये हम ऊपर वाली साइड कटे, ये आपका दारचा के लिए, सॉरी 12 लाचा के लिए चला जाएगा, और ले वगैरह सब इस तरह से हो गया। अगर आपको जंपस्कर वैली जाना है तो जो है वो आपको पीछे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा सामने। तो फ्रेंड्स, ये जो आप यहाँ पे लोकेशन देख रहे हो ये है आपका दीपक ताल, यहाँ पे भी आप जो है हॉल्ट ले सकते हो और थोड़ा रिफ्रेश हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे शॉप्स वगैरह है। भाई ये अभी मैं सूरज साह से थोड़ा आगे आया हूँ, अगर आप जिस पर आ रहे हो तो जिस पर से अगर आपने थोड़ा आगे स्टे करना है तो आप इस पॉइंट पर भी जो है वो स्टे कर सकते हो, और व्यू भी अच्छा है यहाँ पे, और आप व्यू चेक करिए भाई। तो भाई यहाँ पे हल्का सा जो है वो ऑफ रोड अभी आ गया है,
तो बस थोड़े ऐसे जो फिसलने वाले पत्थर है उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। लगता है टायर में हवा थोड़ी ज़्यादा है। बारह लाचा भी जाके मैनेज करता हूँ इस चीज़ को। कोशिश करें जितना भाई प्लेन रास्ता आपको मिल जाए उतना बेटर है। बुलेट का जो पिकअप है ना खत्म हो गया, मतलब इस एल्टीट्यूड पे आके अभी उमलिंगला पास जाना है, वहाँ पे तो पता नहीं क्या ही होगा। तो यहाँ से ना कच्चा रोड स्टार्ट हो गया है, तो ज़्यादा दूर नहीं होगा यहाँ से बारह लाचा, क्योंकि जब भी पासिस वगैरह आते हैं ना, ये मैंने सब जगह देखा कि एंड में कच्चा रोड स्टार्ट हो जाता है। और भाई साहब ये भी कोई फेमस लेक ही होगी यहाँ की, मुझे पता नहीं है लेकिन है कौन सी लेक ही है भाई। जो अभी मैं आपको बता रहा था ना ये लेक कौन सी है, ये भाई आपका सूरज ताल। भाई साहब कम से कम 4-5 किलोमीटर आ गए हैं अभी, रास्ता अभी भी वैसे का वैसा ही है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं बारह लाचा पास, हाइट है इसकी 4,850 मीटर, अप्रोक्सीमेट होगी ये 16,000 है ना, समथिंग 16,000 समथिंग इसकी हाइट है। ऐसा जैसा कुछ यहाँ का जो है वो व्यू है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो है ये आपका बोर्ड लगा हुआ है एल्टीट्यूड की 4,850 मीटर पे है। और बाकी अभी बस थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। राजा जी फिर कैसा रहा सफ़र आपका? बस बढ़िया, अच्छे रहना चाहिए यार। भाई साहब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो गाइज ये जो आप यहाँ पे लोकेशन देख रहे हो ना, ये आप देख सकते हो साइड में टेंट लगे हैं, तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो इन केस अगर आप लेट हो गए हो। और मतलब रात को मेरे को लगता है यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा आएगा क्योंकि चारों तरफ अच्छे पहाड़ हैं। तो गाइज मेरे को लगता है यहाँ पे जो है वो लेह की बाउंड्री स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे आई चेक पोस्ट, तो शायद इस पर जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा खुद को। तो एंट्री अभी यहाँ पे हो गई है। बस इसको भाई एक ही करो, पहला गेट डालो और धीरे धीरे चलते रहो। हाँ तो यहाँ पे अभी कोर्ट पोस्ट आ गई है, साफ सफाई आ गई है। रोहित यहाँ पे रजिस्ट्री चलते पानी की बोतलें फेंकते हैं, तो खाली तो है यार ये बोतलें, सांस मोटा चढ़ गया। ऐसा है आपका नकीला पास के पास, और ये देखो आप यहाँ पे ये आपका नकीला पास आ गया, और कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ है। बस ज़्यादा देर यहाँ पे होल्ड नहीं लेंगे, 5-10 मिनट में होल्ड लेके यहाँ से निकल जाएंगे आगे के लिए।
तो गाइस नकीला पास के बाद ना एक और पास आया था रास्ते में, उसका नाम था लाचुंगला पास और उसकी हाइट थी 16,616 मीटर। बट वहाँ पे रुक नहीं पाए, ट्रैफिक और धूल बहुत ज़्यादा थी। अभी यहाँ पे हॉल्ट मिला है, हल्का सा देखने को लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह पीते हैं और साफ भी करते हैं खुद को। गाइस यहाँ पे देख के लग रहा है मेरे को कि बाकी जो मौसम है ख़राब है। आई होप जो है मौसम आगे ख़राब ना हो, क्योंकि अगर मौसम ख़राब हुआ तो शायद स्टे करना पड़ेगा रास्ते में। ओ भाई साहब, यहाँ पे एक बार आप कीचड़ चेक करो भाई साहब, स्लिप होने के 101% चांसेस हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ क्या देख के लग रहा है भाई, मौसम आगे शायद ख़राब ही होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली बारिश हुई है यहाँ पे। पांग भी यहाँ से अप्रॉक्सीमेट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं रहा है, 5 या 6 किलोमीटर होगा। देखते हैं अगर मौसम ख़राब हुआ तो कहीं जो है वो रास्ते में ही है जो स्टे करना पड़ेगा शायद। बट चलो होप फॉर द बेस्ट, बाकी देखते हैं आगे। पहला रास्ता था ना जो भाई साहब इसने इतना काम खराब किया, इतनी धूल मैंने आज तक कभी दिखाई। कपड़ों का हाल देखो, मतलब ये वही का हाल, मतलब नेक्स्ट लेवल धूल पक्की नज़ारा। ओ भाई जी, वो नज़ारा चेक करो, अल्टीमेट। लेकिन नज़ारा तो अल्टीमेट है, कि बारिश भी लगी आगे यार भाई, वो तो एक बात वो भी है। तो भाई रात को लगी थी रास्ते में बारिश, और उस वजह से हमें जो है वो रात को बीच में स्टे करना पड़ा। वैसे तो हमने उस पर उपसी जाना था। जो बारिश थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी और जो मौसम था बहुत ख़राब हो गया था, फिर हमने रिस्क नहीं लिया आगे जाने का। और बस कुछ नहीं, यहीं पर रूम लिया हमने और यहीं पर सो गए। और मतलब यहाँ पर लग रहा था पता कि नहीं ऑक्सीजन कम है, बट चलो फाइनली जो है वो हो गए। अब हम यहाँ सुबह उठ गए, यहाँ से हम निकल जाएंगे थोड़ी देर में हम यहाँ से, फिर आज से ले पहुँचे, ले एक्सप्लोर करते हैं पहले।